दोस्तों नमस्कार। आपको सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं। दोस्तों आज वर्ल्ड कैंसर डे है। ये दिन जो है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये ऐसा दिन, ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आदमी फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ही टूट जाता है। परिवार में अगर एक व्यक्ति को कैंसर होता है तो पूरा परिवार उसमें बिजी हो जाता है। उस पेशेंट को इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए LIC ने कैंसर कवर पॉलिसी का निर्माण किया। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास तो मेडिक्लेम पॉलिसी है तो मुझे स्पेशली कैंसर कवर पॉलिसी की क्यों ज़रूरत है। पिछले दिनों मुंबई मिरर में एक आर्टिकल आया था, वहाँ पे देखा तो बहुत सारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स है, घर के मेम्बर्स सब बाहर बैठे हुए हैं, बाहर उनको रहने की भी सुविधा नहीं है। तो ये प्लान में एक खासियत है कि एक बैकअप प्लान हम लोग बना सकते हैं। जैसे समझो अगर मेडिक्लेम आपकी है तो वो आपको ट्रीटमेंट के लिए, आपका कैमो है, ऑपरेशन है, उसके लिए पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैंसर कवर में क्या होता है कि आपको एक अपफ्रंट पेमेंट हम लोग दे देंगे जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छे जगह पर रह सकते हो। अगर समझो अगर आप 2-3 महीने समझो अगर अपने जो भाई बहन है उनके साथ में रहना चाहते हैं हॉस्पिटल में या बाहर कहीं पर नज़दीक में, तो एक बैकअप प्लान रहेगा। मतलब 2-3 महीने समझो अगर आपने काम नहीं भी किया तो आपको एक लमसम पैसा दिया जाएगा जिसके वजह से आप आराम से अपने फैमिली मेंबर का देखभाल कर सकते हैं। पॉलिसी की और एक खासियत है, हम लोग लमसम पैसा तो देंगे ही जिसको मेडिक्लेम से कोई लेना देना नहीं है। प्लस हर महीने आपको एक फिक्स रकम दी जाती है अगले 10 साल तक, जो बहुत ही राहत दे सकती है। दोस्तों आपने देखा रहेगा पेपर में कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको कैंसर हुआ लेकिन उन्होंने क्या किया, विदेश जाके ट्रीटमेंट किया, आज वो लोग अपने वापस अपने करियर में वापस जुड़ गए। दोस्तों आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसे चाहिए लेकिन विदेश नहीं जा सकते। तो ये पॉलिसी की और एक खासियत है कि पॉलिसी की रकम लेके आप आउट ऑफ इंडिया भी जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए कहा ना कि कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ मनी इज़ अवेलेबल। दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपको ये मैसेज देना चाहता था कि बहुत ही छोटे रकम में आप इस बीमारी को फेस कर सकते हैं। तो चलो आओ दोस्तों मिलकर कैंसर का मुकाबला करें। थैंक यू।